अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सबका खैर मकदम है। आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जो कि यूनिट नंबर 1 पे हो रहा है, तारीख जुबान उर्दू। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है लिसानियात। आज हम लिसानियात के बारे में जो है पढ़ेंगे, और इसकी जो है कौन कौन सी शाखें हैं और कितनी शाखें हैं इनके बारे में भी जो है आज हम पढ़ेंगे। तो लिसानियात का मतलब क्या है, इसके क्या माने हैं, लिसानियात के क्या माने हैं। तो जुबान के बाकायदा जो है मुताले को क्या कहते हैं, लिसानियात कहते हैं, या जुबान के सैनिसी तरीके से मुताले को लिसानियात कहते हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक। लिसानियात हम लिंग्विस्टिक को बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, लिसानियात। जुबान के सैनिसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं, लिसानियात कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी जो है चार शाखें हैं वो कौन कौन सी है। अब ध्यान देंगे इसकी जो चार शाखें हैं वो कौन कौन सी है। पहली जो है वो है सूतियात, दूसरी जो है फोनमियात, तीसरी जो है मारफीमियात, और चौथी जो है वो है नहवियात, और पांचवी जो इसकी शाख है वो है मानियात। सूतियात को हम बोलते हैं फोनेटिक्स, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। फोनमियात को हम फोनमिक्स बोलते हैं, मारफीमियात को हम मार्फोलॉजी बोलते हैं, और नहवियात को हम सेंटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और मानियात को हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। तो ये पांच जो है, ये चार जो है क्या है, शाखें हैं किसकी, लिसानियात की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है कौन कौन सी है, एक तो सूतियात हो गया, मारफीमियात हो गया, नहवियात हो गया, और मानियात हो गया। इन्हीं को जो है समझा जाता है, यही चार जो है शाखें हैं किसकी, लिसानियात की। तो अगर हम बात करेंगे सूतियात की, अगर हम बात करेंगे जो है सूतियात जो है क्या है, सूतियात इंसानी आवाज़ों का साइनसी मुताला है। बहुत ही अहम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। सूतियात हम किसे बोलते हैं, फोनेटिक्स हम किसको बोलते हैं, सूतियात जो है इंसानी आवाज़ों का साइनसी मुताला, जो इंसानी आवाज़ों का साइनसी मुताला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूतियात कहते हैं। इसके बाद जो फोनमियात है, इससे क्या जो है मुराद है, फोनमियात जो है किसी जुबान में काम आने वाली और अहम तकाबली आवाज़ का मुताला करती है। उर्दू में जो है अगर हम देखेंगे फोनमियात की तादाद कितनी है, कहीं कहीं पे हमें जो है 58 भी मिलती है, कहीं पे 48, और कहीं कहीं जो है 44 भी हमें देखने को मिलती है। किसी भी जुबान में काम आने वाली अहम और तकाबली आवाज़ का मुताला करती है, इसे हम क्या कहते हैं, फोनमियात कहते हैं, यानी कि फोनमिक्स कहते हैं। इसके बाद जो है मारफीमियात जो है, इसका क्या मतलब है, मारफीमियात जो है यहाँ अल्फाज की साख्त और इसके उसूल व कवायद, इसके इस्तेमाल से बहस होती हैं। जुबान की छोटी सी छोटी बामाने इकाइयों जैसे अल्फाज की जो है तस्कीर व तानीस, इनकी तादाद, हालात व कैफियात, जमाना और अजदाद वगैरह का मुताला भी किया जाता है। ये किस में किया जाता है, तो मारफीमियात में किया जाता है। फिर से हम इसको देखेंगे, यहाँ अल्फाज की साख्त और इसके उसूल व कवायद और इसके इस्तेमाल से बहस होती है, किसमें, मारफीमियात में। जुबान की छोटी सी छोटी या बामाने इकाई जैसे अल्फाज की तस्कीर व तानीस, इनकी तादाद या हालात व कैफियात, हम बोल सकते हैं जुबाना और जो है जमाना और अजदाद वगैरह जो है, इसका मुताला यहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे, मारफीमियात में, जिसको हम मोर्फोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जो नहवियात है, जुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात की ज़ैल में आता है। मसलन नदीम ने खाना खाया। जुबान में जो है अगर हम देखेंगे जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब, जुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में क्या, लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात कहलाता है। मसलन नदीम ने खाना खाया, नहवियात हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो है मानियात हम किसको बोलते हैं, लफ्ज़ों और जुमलों के मतालब और माने का जो है मुताला मानियात कहलाता है। लफ्ज़ और माने के दरमियान क्या रिश्ता है, इनका आपस में क्या रिश्ता है लफ्ज़ और माने का, इन सब हकाइक का खोज अलमे मानियात से लगाया जाता है। लफ्ज़ और जुमलों के मतालब और माने का मताला जो है मुताला क्या कहलाता है, मानियात कहलाता है। यानी कि लफ्ज़ और माने के दरमियान कौन सा रिश्ता है, इन सब हकाइक का खोज हमें कहाँ जो है हम कहाँ लगा सकते हैं, तो मानियात से लगाया जा सकता है, जिसको हम सिमेंटिक्स भी बोलते हैं। यानी कि लफ्ज़ों और जुमलों इनके हवाले से जो है इनकी जो है
सिमेंटिक्स हम बोलते हैं, मानियात हम उसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लफ्ज़ों और जुमलों के ज़रिए जो है बात को समझते हैं। लफ्ज़ों और जुमलों के मतालब और मानी का मतलब मालियात कहलाता है, जिसके माने लफ्ज़ों और जुमलों का जो आपस में इनका रिश्ता है, और इन सब हकायक का खोज हमें इसी में मिलता है जो है मानियात से लगाया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कल जो है हमने लिसानियात से मुतलिक चंद जो किताबें थी, जो कि अहम किताबें हैं, वो हमने जो है पढ़ी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लिसानियात से मुतलिक जो है और दो तीन किताबें हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे वो किस जो है कौन कौन सी तस्नीफ़ है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। लिसानियात के बुनियादी उसूल, ये तस्नीफ़ जो है किसकी है, लिसानियात के बुनियादी उसूल जो है ये तस्नीफ़ किसकी है, और इसके बाद दूसरी तस्नीफ़ भी इन्हीं की है, सूतियात। और अभी हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं जो है लिसानियात के बारे में, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इनको यहाँ पे लिखना, ताकि इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे से जहन में रह जाएंगी ये बातें, ये सारी चीज़ें। सूतियात और फोनमियात, ये तस्नीफ़ है किसकी, शाबाश, लिसानियात के बुनियादी उसूल और सूतियात और फोनमियात, ये तस्नीफ़ जो है किसकी है, इक्तदार हुसैन खान की है। इक्तदार हुसैन खान, ये दोनों तस्नीफ़ात इन्हीं की है, इक्तदार हुसैन खान की लिसानियात के बुनियादी उसूल, और दूसरी जो है सूतियात और फोनमियात। इसके बाद हम बात करेंगे उर्दू लिसानियात, कल भी हमने इसके बारे में बात की है, ये तस्नीफ़ किसकी है, उर्दू लिसानियात ये किसकी तसनीफ है, उर्दू लिसानियत जो है शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ है, और इसके अलावा जो है प्रोफेसर नसीर अहमद खान की, प्रोफेसर नसीर अहमद खान की भी ये तसनीफ है, और इसके अलावा जो है शौकत सब्ज़वारी की भी ये तसनीफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों तसानीफ़ात जो हमने यहाँ पे देखे, इक्तदार हुसैन की दोनों तसनीफ़ात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूतियात और फोनमियात, और इसके अलावा जो है कौन सी है, इसके अलावा जो है लिसानियात की बुनियादी उसूल, दोनों क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी ज़ुबान में काम आने वाले तमाम जो है बामाने आवाज़ों, यानी कि सूतियात के दो बड़े, इनको हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो दो हिस्से अगर हम बात करेंगे, किसी भी ज़ुबान में काम आने वाले तमाम बामाने आवाज़ों यानी सूतियात को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो दो बड़े हिस्से कौन कौन से हैं, पहला अगर हम देखेंगे, पहला जो है मसूती जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉवल्स, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है मुसम्मते जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स। तो अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, दो हिस्से जो है सूतियात के, जो दो ये बड़े हिस्से हैं वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं मसूती या मुसम्मते, इसको हम उर्दू रिवायती नाम जो है इसका क्या है, हरूफ़ इल्लत, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे इसको, हरूफ़ इल्लत जो है किसका रिवायती नाम है, उर्दू रिवायती नाम है हरूफ़ इल्लत किसका, मसूते का, यानी कि वॉवल्स का। अगर हम मुसम्मते की बात करेंगे, इसका जो है उर्दू रिवायती नाम क्या है, हरूफ़ सही, हरूफ़ सही जो है कंसोनेंट्स का नाम है, उर्दू रिवायती नाम है, और मुसम्मते का क्या नाम है, हरूफे इल्लत। यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, मसूते की यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला जो है मसूते जो है ये वो आवाज़ें हैं जिनकी अदायगी में जो है फेफड़ों से आने वाली हवा बगैर किसी रुकावट के मुंह से खारिज होती है, मसलन अलिफ वाव, ये वो आवाज़ें हैं, ये वो आवाज़ें हैं
जिनकी अदायगी जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली फेफड़ों से आने वाली हवा बगैर किसी रुकावट के बगैर किसी रुकावट की क्या कर जो है मुंह से बाहर आती है, मुंह से खारिज होती है बगैर किसी रुकावट के। मसलन जो मैं यहाँ पे लिखा लिफ वाव रिये, क्या याद रखना है मसूती आवाज जो है जिनको हम मुसम्मते भी बोलते हैं, इनको वावल्स बोलते हैं, इनका जो उर्दू रिवायती नाम है क्या है, हरूफे इल्लत है। ये वो आवाजें हैं जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा बगैर किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है या खारिज होती है। मसलन अलिफ वाव ये हमें यहाँ पे जो है रुकावट नहीं महसूस होती है। इसके बाद जो दूसरा है मुस्तमते जो है जिसको हम कंसोनेंट्स भी बोलते हैं, इसका जो उर्दू रिवायती नाम क्या है, हरूफे सही। ये वो आवाजें हैं जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा मुंह में मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती है या रगड़ के साथ खारिज होती है, रगड़ के साथ जो है बाहर आती है। मसलन इसका उल्टा है, ये वो आवाजें हैं जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा मुंह में मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती है या रगड़ के साथ खारिज होती है। मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती है या रगड़ के साथ खारिज होती है। रगड़ के साथ क्या होती है, खारिज होती है। रगड़ के साथ खारिज होती है। मसलन पिए बिए जीम दाल गाफ वगैरह। मुसम्मती आवाज जो है जिनका मुसम्मते भी बोलते हैं, यानी कि कंसोनेंट्स जिनका रिवायती नाम है उर्दू का हरूफे सही, ये वो आवाजें हैं जिनकी अदायगी में फेफड़ों से आने वाली हवा मुंह में मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती है या रगड़ के साथ खारिज होती है। मसलन पिया बिया जीम दाल गा रिया वगैरह। तो ये था आज का हमारा क्लास जो है लिसानियात के ऊपर था। लिसानियात किसे कहते हैं और लिसानियात की कितनी शाखें हैं और वो कौन कौन सी है और इसकी जो है किसी भी जुबान में जो काम आने वाली तमाम जो बामाने जो है आवाज़ हूँ यानी कि जिनको हम सूतियात कहते हैं, इनको दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो दो बड़े हिस्से कौन कौन से हैं, मसोते हैं और मुसम्मते हैं, जिनको हम वॉवल्स और कंसोनेंट्स बोलते हैं, जिनका उर्दू रिवायती नाम है हरूफ इल्लत और हरूफ सही। तो ये था आज का हमारा क्लास जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।